दोस्तों आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं सोल इन के एपिसोड 211 के पार्ट 1 पर, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर वॉच करना। वीडियो स्टार्ट होता है, हमें फ्लावर ग्रैंड सोल मास्टर को दिखाई देता है जो कि अपनी विजन में देख रहा होता है इन दोनों कैसे अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, ये दोनों कैसे दोस्त बने, आखिर ये दोनों कितने खुश थे, ये सब सोचकर फ्लावर ग्रैंड सोल मास्टर काफी ज्यादा सैड हो जाता है और उसको सिर्फ गोस्ट मास्टर का मौत का बदला लेना था। इसके बाद बेबी डोंग सारे सोल मास्टर को अटैक करने के लिए कहती है। पहले फ्लावर सोल मास्टर टेंशन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। हम इसके पेस को देखकर समझ सकते हैं कि ये कितनी गुस्से में है। इसके अटैक को रोकने के लिए टेंशन सी और ट्रेंड को यूज करता है, मगर यहाँ देख के फ्लावर सोल मास्टर टेंशन के ऊपर इतनी इजिली फाइट कर रहा होता है। टेंशन हाथों में ट्रेंड होने के बावजूद भी इसके पाइट में टेंशन पूरी तरह से घायल हो जाता है। सारे सोल मास्टर भी टेंशन के ऊपर अटैक कर देते हैं। इन सब में मिलकर टेंशन को बुरी तरह से मारते हैं। ऐसा लगता है अब टेंशन मरने वाला हो। इसके बाद सारे सोल मास्टर अपनी सोल प्रोटेक्टिव बॉडी को एक्टिवेट कर लेते हैं, करके टेंशन के ऊपर अटैक कर देते हैं। टेंशन इसने बचने के लिए ट्राइडेंट का एक टेक्निक यूज करता है। इन सब के अटैक को ट्राइडेंट रोक रहा होता है, जिसे देखते ही बेबी डोंग कहती है, तुम अभी भी अपनी मौत के लिए स्ट्रगल कर रहे हो। इन सब के अटैक से टेंशन उनकी हड्डियां टूटने लग जाती है, जिसे बचाने के लिए टेंशन अपनी एयर स्पाइडर लेंस को बाहर निकालता है, मगर इस स्पाइडर भी पूरी तरह से टूट जाती है। इसके बाद टेंशन अपने ट्राइडेंट को जमीन पर मारता है, जिसकी वजह से सारे सोल मास्टर काफी ज्यादा दूर जाकर गिरते हैं। दोस्तों किसी 5 ग्रैंड सोल मास्टर के साथ लड़ना बस की बात नहीं है। अगर टेंशन फर्स्ट ट्राइडेंट नहीं होता तो अब टेंशन पहले ही मर चुका होता। टेंशन को गर्व होना चाहिए, उन्होंने 5 ग्रैंड सोल मास्टर को रोका है, ये भी गर्व की बात है। इसके बाद हमें फ्लावर ग्रैंड सोल मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि कहता है, मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा कि अभी भी हमारे साथ फाइट कर रहा होगा। इसके बाद हमें देखते दामिंग अर्मिंग को, इनको शव शेप जगह पर लेके जा होती है। इसके साथ दामिंग कहता है, टेंशन उन्होंने 5 ग्रैंड सोल मास्टर के साथ फाइट कर रहा है, क्या सच में टेंशन इसने सर्वाइव कर पाएगा। इसके साथ ही अर्मिंग कहता है, शव हमारे ऊपर मशीन टाइम वेस्ट मत करो, यहाँ से चले जाना, इन सोल ग्रास को अपने साथ लेके जाओ और अपने साथ टेंशन को भी लेके जाओ। इस सोल ग्रास तुम्हारे स्पिरिट पावर को बूस्ट कर सकती है और इसे मजबूत कर सकती है। आने वाले टाइम में तुम्हारे प्रेजेंसन चांस काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। जिसे सुनते ही शव उन दोनों जानों को कहती है, अभी के लिए मुझे समझ आया तुम दोनों इस ग्रास को ढूंढ रहे थे। दामिंग अर्मी, मैं तुम दोनों को यहाँ से छोड़कर नहीं जाने वाला, हम लोग यहाँ से एक साथ जाएंगे। जिसके साथ ही टेंशन को कहती है, तुम्हें यहाँ पर जिंदा वापस आना होगा। और इसके साथ ही हम देखते हैं टेंशन को, जो देखते स्पेयर मास्टर कहता है, तो ये है इस की गॉड की अपन। और इसके साथ ही पिस मास्टर कहता है, तो अभी के लिए मुझे समझ आया 7th ग्रैंड सोलो मास्टर सिलू सिटी में टेंशन से क्यों हारा था। जिसके साथ ही हम देखते हैं टेंशन को, जो कि कहता है, जो कि 4 सोलो मास्टर के सामने मेरी बॉडी अभी के लिए पीसेस में क्रम्बल हो चुकी है। मैं पहले ही शव को इस बात का प्रॉमिस किया था कि मैं हम लोग यहाँ से जिंदा वापस जाएंगे। अभी के लिए दामिंग अर्मिंग दोनों सेफ जगह पर पहुंच चुकी है, ये भी एक अच्छी बात है। अभी के लिए मेरे पास थोड़ी सी पावर है बच्चे, जिसकी वजह से मैं इनके सामने नहीं टिकने वाला। जिसके बाद हम देखते हैं बेबी डोंग को, जो कि कहती है, टेंशन अपनी आपको मुझे फोर्स मत करो, अगर तुम्हारे पास अभी के लिए गॉड के ओपन आया होता तो अभी के लिए तुम पहले ही मर चुके हो। तो है कहकर बेबी डोंग अपनी डेथ गॉड डोमेन को एक्टिवेट कर लेती है, जो देखते हैं टेंशन अपनी टाइम को पकड़ लेता है, जो कि कहता है, ये पॉइजन माइंड पावर मुझे पूरी तरह से सप्रेस करती जा रही है, मुझे इसका सामना करना होगा। बेबी डोंग टेंशन के ऊपर अटैक करने लगती है, जिसे बचने के लिए टेंशन अपने टाइम को आगे की तरफ इशारा करता है, मगर टाइडेंट कंट्रोल से बाहर हो जाता है। ये टाइडेंट जाकर बेबी डोंग का डेथ गॉड डोमेन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है। बेबी डोंग ये सब देखकर कहती है, सी गॉड लाइट काफी ज्यादा पावरफुल है, इसने मेरे डेथ गॉड डोमेन को इजीली डिस्ट्रॉय कर दिया है। बेबी डोंग सारे सोल मास्टर को पीछे हटने के लिए कहती है, जो देखते है ड्रैगन सोल मास्टर के भागने की कोशिश करता है, सी गॉड लाइट की वजह से काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। जिसके बाद हम देखते हैं टेंशन, जो कि इनकी बॉडी सी गॉड लाइट से भरी होती है, इनकी बॉडी हील हो रहा होता है। इनके पीछे हमें सी गॉड को दिखाया जाता है। सी गॉड को देखकर सारे सोल मास्टर और बेबी डोंग भी हैरान होती है। तो दोस्तों यहाँ पर होता है हमारे सोल एंड एपिसोड की 211 की पार्ट 1। तो दोस्तों आपको वीडियो किसी थी नीचे कमेंट करके जरूर बताना और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।